हेलो दोस्तों, मैं उनिया सिंह बुलबुल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूँ बिग बॉस की एक और अपडेट। जी हाँ, आखिरकार कल बिग बॉस में क्या क्या होने वाला है, साथ में सलमान किसकी किसकी क्लास लेने वाले हैं और किस किस टॉपिक पे लेने वाले हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। और स्पेशली क्यों कुछ लोगों के बारे में ही बिग बॉस के वीकेंड पे बात होती है, क्यों स्पेशली सिर्फ उन्हीं को टारगेट करके बात किया जाता है, इसके पहले भी इसके पीछे भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। चलिए उन सारी बातों में आज हम खुल के बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जहां पे कुछ ऐसे मुद्दे थे जो हफ्ते भर उठे थे उस गर्मी, मतलब एक तो मुद्दे बड़े गलती से उठते हैं और उठ गए तो चलो उम्मीद की जाती कि चलो वीकेंड पे इसकी बात हो जाए, तो उनमें से कुछ मुद्दे पे बात होती है, कुछ पे नहीं होती है। तो उनमें से जो सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि भैया नेपोटिज्म की एक आवाज उठी थी राहुल वैद्य की तरफ से, और मैंने आपको पहले ही कहा था नेपोटिज्म की आवाज हो और सलमान खान की आवाज ना गूंजे ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो वैसे बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि नेपोटिज्म पे जिस तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं बॉलीवुड पे, और सलमान उनमें से टॉप लिस्टेड एक्टर में से आते हैं कि जिनके ऊपर सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है कि खान्स है, कपूर्स है, मतलब ये कुछ ऐसे हैं जो पूरा बॉलीवुड माफिया चलाते हैं। तो वैसे अब इसके ऊपर सलमान ना बात करें, वो भी उन्हीं के शो के अंदर जहां सिर्फ उन्हीं की चलती है, ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सलमान ने बात किया है नेपोटिज्म को लेकर, जहां पे वो ये बात क्लियर करते हुए नजर आएंगे कि अगर मेरा बाप उस जगह है कि वो अपने बेटे को लगा सकता है तो इसमें गलत क्या है। बिल्कुल सही है, मतलब वो अपने पक्ष को रखते हुए नजर आएंगे। अब उस पक्ष के ऊपर विपक्ष में कितने न्यूज बनेंगे तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। पर इस पे जवाब राहुल पूरी तरह से देते हुए नजर आएंगे, वो इस बात पे सॉरी भी कहेंगे और वो कहेंगे कि सर मैंने वो फेस किया है तब मैंने बोला है, चाहे जो भी हो, पर एंड ऑफ डे राहुल को सॉरी मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया बात तो सलमान खान कर रहे हैं ना। जहां पे ये एक टॉपिक है, वही एक और टॉपिक उठने वाली है जहां पे जान को मराठी बोलने से रोकने के लिए उन पे सवाल उठा जाएगा, क्योंकि जब निक्की और राहुल मराठी में बात करे तो जान ने उस पर जाके रोका था, उस चीज पे बहुत बड़ा बवाल हुआ था, क्योंकि मराठी जो भाषा बोलते हैं उन्हें बहुत इस चीज से तकलीफ हो गई थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप महाराष्ट्र में रहकर महाराष्ट्र में शूट करके आप मराठी भाषा की इज्जत नहीं कर सकते तो आपको इस शो को हम चलाने नहीं देंगे, वही जान को हम कभी काम नहीं करने देंगे, इस तरह की बातें हुई थी, जिसपे जान ने माफी भी मांगा था। पर सलमान भी इस टॉपिक पे बात करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस दिन ये बवाल हुआ था उसके एक दिन बाद जिस तरह से मराठी सॉन्ग को रिप्रेजेंट किया गया, मॉर्निंग में मराठी सॉन्ग बजा, ये पहली बार बिग बॉस के इतिहास में हुआ था, क्योंकि वो अपनी साइड से पूरी तरह क्लियर रखना चाहते थे कि भैया एक तो ऐसी टीआरपी नहीं आ रही है, ऊपर से एक नया बवाल हो जाएगा तो और बनता डार हो जाएगा, इससे बेटर है कि सलमान इस टॉपिक पे बात कर ले और क्लियर कर ले तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि जान तो वैसे ही माफी मांग चुके हैं और इस पे और अगर खुल के कुछ बात करते हुए भी नजर आ सकते हैं। वेल, इसके अलावा जैस्मिन की जो सबसे बड़ी बवाल उठी थी कि नारीवादी का जो एक बवाल था, जो एक्चुअल में मुझे नहीं समझ में आया था, मुझे वैसे जैस्मिन पर्सनली, जैस्मिन के साथ मेरा एक अलग ही एक क्लोजनेस है, मैं जैस्मिन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जैस्मिन जिस आपकी है वो जो मुद्दा इस वक्त घर में उठाई थी वो उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ठीक है एक बंदे ने गेम के दौरान आपको ये बात बोल दिया तो उसको इतना बढ़ाने की कि सपने में आता है ये होता, वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत बेसलेस था, क्योंकि आपने ऐसा नहीं कि सामने वाले ने बोल दिया और आपने बस सुन के ले लिया, आपने भी गाली दिया, आपने बॉटल का पानी फेंका, आपने बहुत सारी चीजें की, आपने उसको जितना बोल सकती थी आपने उतना बोला, तो मेरे ख्याल से वो सारी चीजों को वहीं दब जानी चाहिए थी। पर सलमान इस पे जैस्मिन को ये बात जरूर समझाएंगे कि आप जो ये हरकतें कर रही है उसकी वजह से आप बाहर किस तरह से दिख रही है आप नहीं सोच सकती, क्योंकि जितने भी पक्ष हैं या तो मैं विपक्ष बात करूं, दोनों भी चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी जैस्मिन के बारे में चल रही है, तो उसके बारे में उनको समझाते हुए नजर आएंगे कि वो अपना नेचर थोड़ा बदले। इसके अलावा रूबीना के ऊपर जम के बात होने वाली है, क्योंकि रूबीना ने जिस तरह के इल्जाम बिग बॉस के ऊपर लगाए थे कि सारी प्लानिंग है, सारी टीआरपी जिनके ऊपर होती है उन्हीं को जानबूझ के रखा जाता है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात पर रूबीना के कि गेम इस बार का जो पलटा है या इस बार का जो मैं बिग बॉस कह सकती हूँ पूरी तरह बायस्ड है, समझ के बाहर है। और मैं पिछले भी अगर सीजन की बात करूं जैसे सिद्धार्थ शुक्ला का था तब भी बायस था, ये साफ नजर आता था। पर ठीक है, मैं अगर सिद्धार्थ की बात करूं तो भैया सिद्धार्थ इंटरटेनिंग थे, दिखते थे सिद्धार्थ। अगर टीआरपी की बात करूं तो उस शो में हर कोई अपना एक अलग फेस लेकर आया था, हर किसी ने एक अलग ही तरह से इंटरटेन किया था, तो आसिम और सिद्धार्थ का एक अलग था कि दोनों में से कोई भी विनर बन सकता था। पर ठीक है, वो एक बायसगिरी दिखती थी सिर्फ सिद्धार्थ को ना सुनाने को लेकर, बाकी इंटरटेन सिद्धार्थ, शहनाज, चाहे रश्मि हो, चाहे आसिम हो, चाहे हर कोई अपने अपने एंगल से कर रहा था। पर इस बार का बिग बॉस तो समझ के बाहर है ना, कोई इंटरटेन कर रहा है ना कोई कुछ कर रहा है, ऊपर से मुद्दे नहीं उठ रहे, तो सलमान के पास जो बेसिक मुद्दे होते हैं उन्हीं को उठा के सोचते हैं थोड़ी टीआरपी हम वीकेंड के ही लेकर आ जाए, तो रूबीना को इस चीज पे लेकर सुनाया जाएगा, उसी के ऊपर रूबीना को जैस्मिन को ना रोकने के लिए भी सुनाया जाएगा कि आपने जैस्मिन को क्यों नहीं रोका। पर रूबीना कहाँ चुप रहने वाली है, वो भी जम के जवाब देंगी।
वेल, ये सारे मुद्दे पे जमकर बात होने वाली है वीकेंड के वॉर में, तो आप कितना ज्यादा एक्साइटेड और किसके टॉपिक को आप एक्चुअल में सुनना चाहते हैं? मैं तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ आखिरकार नेपोटिज्म पे किस तरह की बातें होगी, क्योंकि मेरा मैं कह सकती हूँ मेरी सबसे अच्छी टॉपिक अब तक की मैं कहूँ तो नेपोटिज्म ही है, कि आखिरकार जब स्टार को खुल के मौका मिला है नेपोटिज्म की बात करने, आखिरकार वो ट्वीट के जरिए करते थे उस पर ही बवाल हो जाता था, पर जब आप एक कैमरे के सामने आके कोई बात कर रहे हो नेपोटिज्म पे पहली बार, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वेल, देखते हैं सलमान किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं नेपोटिज्म की इस नई कहानी को, ये तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। पर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए बुलबुल बॉलीवुड के साथ।